हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक क्रीमी मशरूम्स। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अमेजिंग बनने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें हम मिलाएंगे तेल, दो चम्मच हमने तेल मिलाया है। इसी के साथ हम इसमें बटर डालेंगे, अब हम इसमें मिला लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसको हल्का लाल करेंगे हम। आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा सा पक चुका है। इसी के साथ हम इसमें ये मशरूम डाल लेंगे। ये साबुत मशरूम्स है। अब इसको धीमी आंच में हम काफी देर तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मशरूम्स हाफ कुक हो ही चुके हैं। कितना अच्छा कलर आ चुका है इनमें। अब हम इसमें थोड़ा बीच में स्पेस क्रिएट करेंगे और गार्लिक डालेंगे। ये मैंने गार्लिक चॉप करा हुआ है और इस गार्लिक को जो बटर है उसमें अच्छे से कुक होने देते हैं। गार्लिक भी कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आधी चम्मच मैदा में थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक घोल जैसा बना लेंगे और वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। आपके पास अगर क्रीम नहीं है तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, फुल फैट मिल्क। मैदे की वजह से ये काफी थिक हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ ग्रीन लीफी चीज़ें। आपके पास कोरिएंडर है तो आप कोरिएंडर ऐड कीजिए, यानी कि हरा धनिया। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं इसमें सेलरी मिला रही हूँ, जस्ट टू गिव अ ग्रीन टेक्सचर, कुछ ग्रीन अच्छा सा दिखने के लिए। अब हम इसे लो फ्लेम में ढक करके पकाएंगे ताकि सारा जूस जो है वो हमारे मशरूम्स में घुस जाए अच्छे से। अब
हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि हमने शुरुआत में सॉल्ट नहीं डाला इसमें, क्योंकि जब भी आप दही या क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो फट सकता है, इस वजह से अवॉइड कीजिए स्टार्टिंग में सॉल्ट डालना और थोड़ी सी काली मिर्ची। फ्रेंड्स, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मशरूम्स कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं, क्रीमी गार्लिक मशरूम। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। आप